आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड माय सेल्फ कोमल। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 11th ऑफ अप्रैल, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11th ऑफ अप्रैल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 24th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज ट्यूबरक्लोसिस डे एवरी ईयर। हर साल 24 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट ने ट्यूबरक्लोसिस की पहली वैक्सीन विकसित की थी। इन 24 मार्च 1881 को उन्होंने पहली ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन बनाई थी, जिसका नाम था BCG। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इस साल की थीम ऑफ दिस ईयर इन्वेस्ट इन टीबी एंड सेव लाइव्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिप्लोबी गैलरी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन कोलकाता। बिप्लोबी गैलरी बनाई गई का इनॉग्रेटेड किया है किन्होंने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये गैलरी इनॉग्रेट की थी ऑन 23rd मार्च। क्यों की थी? क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि 23rd मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उन्हीं की याद में उन्होंने बिप्लोबी गैलरी इनॉग्रेशन की है। कहाँ पर की है? कोलकाता में। और हु इज द फाउंडर ऑफ कोलकाता? कोलकाता का फाउंडर है जॉर्ज चारनोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्सरशिप ऑफ फीफा इन 2022 टू बायोजूस कंपनी। फीफा का 2022 कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है? बायोजूस कंपनी। और फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर हुई थी 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इस साल 2022 फीफा कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है कतर की राजधानी दोहा में, और हर 4 साल बाद किया जाता है आयोजित। और 2018 में हुआ था ब्राज़ील में, ब्राज़ील के एक शहर रियो में 2018 का फीफा आयोजित किया गया था। RBI has inaugurated innovation hub, सॉरी इसको ठीक कर लेना, यहाँ आएगा हब। कहाँ पर किया गया है इनॉग्रेशन? बेंगलुरु, जो कहाँ पर है? कर्नाटका में। और RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक्ट आया था 1934 में, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुई है 1935 में। हेडक्वार्टर, पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, और बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया मुंबई में। और पहले इसके गवर्नर बनाए गए थे, उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले इंडियन कौन थे? वो थे CD देशमुख। और 25th गवर्नर करंटली जो है वो हैं शक्तिकांत दास। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है,
और कहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर हैज स्टार्टेड ब्रांड इंडिया पॉलिसी इंक्रीमेंट इन इंपोर्ट। सेंटर हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लेकर आए हैं? वो लेकर आए हैं ब्रांड इंडिया पॉलिसी। किसके लिए लेकर आए हैं? हमारे इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए वो कौन सी पॉलिसी लेके आए हैं? ब्रांड इंडिया पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज पास्ड आउट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। पेपर में सबसे पहले ये वो यही पूछेगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन सी संस्था द्वारा निकाला जाता है? वो निकालती है नीति आयोग। कोई मुझे बताएगा कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? चलो मैं खुद बता देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का पहला नाम क्या था? इसको बोलते थे प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में बनाया गया था और बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और नीति आयोग का हमेशा चेयरमैन कौन होता है? आवर प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के रूल्स में लिखा गया कि जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। सो इसीलिए नीति आयोग का इस समय चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। और इसकी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये बताया गया है कौन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो याद रखना, पहले नंबर पर आ रहा है गुजरात, सेकंड पर महाराष्ट्र। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। आवर सेवेंथ क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd मार्च एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23rd मार्च। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23rd मार्च 1951 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। उसी के बाद में 23rd मार्च को हर साल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। विंग्स इंडिया 2022 एशियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन हैदराबाद। एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल की डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया और किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा एशिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया फॉर स्किल डेवलपमेंट। कहाँ पर बनाया गया? इन हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी रिवर पर है? मूसी रिवर पर। और इस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है ज्योतिरा सिंधिया। क्या नाम है उसका? विंग्स इंडिया 2022। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा पेटाई नक्सरव वाटर जीआई तमिलनाडु। एक्चुअली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तमिलनाडु का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और इसका एक्ट आया था 1999 में और 2003 में पहला जीआई टैग दिया गया था, जो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग का की चाय मतलब वेस्ट बंगाल की।
और हर कितने सालों के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर 10 ईयर्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पेटेंट दिया जाता है 20 सालों के लिए, फॉर 20 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्विमर हु क्रॉस्ड पार्क स्ट्रीट, जिया राय। दुनिया की सबसे छोटी उम्र की जिसने पार्क स्ट्रीट को क्रॉस किया है वो कौन है? जिया राय। और सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पैरा है, फिर भी उसने क्या क्रॉस कर लिया है? पार्क स्ट्रीट। और आपको पता होगा कि पार्क स्ट्रीट किन कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच। और इस साल हमने पैरा ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते हैं? इस साल हमने पैरा ओलंपिक्स में 17 मेडल जीते हैं। और किस वुमेन ने गोल्ड मेडल जीता है? उसका नाम है अवनी लखेरा। शी इज फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा की रहने वाली है। और किसकी प्लेयर है? ये है शूटिंग की प्लेयर। फर्स्ट वुमेन टू वॉन गोल्ड इन ओलंपिक्स वो कौन है? अवनी लखेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एशली बार्टी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। टेनिस की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसका नाम है एशली बार्टी, उसने अनाउंसमेंट कर दी। जस्ट मात्र ये 25 सालों की होकर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और कहाँ की रहने वाली है? शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है 2022, ये किसने जीता है? ये जीता है एशली बार्टी ने। और मैन में ये है राफेल नडाल। एशली बार्टी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड राफेल नडाल इज फ्रॉम स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। फर्स्ट स्टेट टू डू कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर कौन बनी है? पहला राज्य जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर करेगा वो कौन है? केरला। तो हमारे कोप 26 कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो में। और कोप 26 में नरेंद्र मोदी ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है कि जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम उसे रिड्यूस भी करेंगे, मतलब बैलेंस बना कर रखेंगे। और कितने का टारगेट रखा है? 2070 तक। और केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरला के कोस्ट को बोला जाता है मालाबार। और केरला केरला में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी साइक्लोन हैज हिट अंडमान एंड निकोबार। आसानी साइक्लोन कहाँ पर आया है? ये आया है अंडमान और निकोबार। और आसानी नाम किसने दिया है? ये दिया है श्रीलंका वालों ने। और गुलाब किसने दिया था? ये दिया था पाकिस्तान। ताऊ कोते ये दिया था म्यांमार। जावेद सऊदी अरब। शाहीन ये दिया था कतर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। म्यांमार की राजधानी निपाती। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। एंड कतर की राजधानी
दोगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दोल यात्रा और दोल उत्सव इज हैज बीन सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। दोल यात्रा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है वेस्ट बंगाल। और दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल का है, दुर्गा पूजा। शिग्मो फेस्टिवल, ये है गोवा का त्योहार। लोसर, ये है सिक्किम का त्योहार। लूसंग, ये है लद्दाख का त्योहार। हॉर्नबिल, ये है नागालैंड का त्योहार। और बीहू पता होगा, ये है असम का। गोवा की राजधानी पानाजी, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, लद्दाख की लेह और असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा। पंकज अडवाणी हैज वॉन एशियाज बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। पंकज अडवाणी ने कौन सा खेल, सबसे पहले तो कौन सा खेल खेलता है, ये बिलियर्ड्स का प्लेयर, और उसने क्या जीत लिया है? एशिया बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 पंकज अडवाणी ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।